कर पाते, सो इसको मान्यापन कर रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव ने नमन किया दोनों जवानों को। अब बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा जा रहे हैं जवानों को।
बारामुल्ला कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकवादी हमले में हमारे दो जवान जो शहीद हुए उनको हम लोग सलाम करते हैं और याद करते हैं उनकी कुर्बानी को और उनके परिवार को मजबूती देने के लिए संवेदनाएं हम लोग जो है प्रकट करते हैं। पूरा देश जो है, पूरा बिहार इनके परिजनों के साथ खड़े हैं। जो बहादुरी का काम किया है, देश के लिए जान दी है, ये हम लोग इनकी शहादत को भूल नहीं सकते। हम लोग लगातार शुरू दिन से कहते रहे हैं कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक केवल सेना के जवानों को ही शहीद का दर्जा जो है मिलना करता है, लेकिन जितने भी CRPF है, ITBT फोर्स है, ये जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे कश्मीर में हमारे जो जवान शहीद होते हैं या मुठभेड़ में नक्सलियों द्वारा जो शहीद होते हैं,
उन जवानों को, उन मिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा नहीं है। हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि हर एक संभव मदद जो है शहीद के परिजनों को वो दे। खास तौर पे अगर रोज़गार की भी बात आती है, आर्थिक रूप से भी मदद हम लोगों को, उन सभी शहीद के परिवार के लोगों को करना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, पे सीमा पर आज देश की रक्षा के लिए असंख्य सत सत नमन है। और ऐसे नौजवान परिवारों के लिए दाहस बनाने का और हम लोग पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। आज जो शहादत हुई है, इन लोगों ने शहादत देश की रक्षा के लिए दी है, इनको बहुत बहुत सत सत नमन। हमले में, आतंकी हमले में हमारे बिहार के सेना के जवान जहानाबाद के निवासी लोकू शर्मा जी और उस्ताद खुर्शीद खान जी और शहीद हुए हैं। और हमारे सेना के जवानों पर मुझे गर्व है कि हमारे सेना के जवानों ने भी इसका जवाब देने का काम किया है। 3 आतंकवादी भी मार गिराए गए हैं और आज इस दुख की घड़ी में हम अपने सेना के जवान, जो पूरे देश के 3 जवान शहीद हुए हैं और बारामूला में आतंकी हमले में और उस घटना में जो शहीद हुए हैं, उस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। हम सब पूरा बिहार खड़ा जा करके है और पूरा बिहार में एक दुख का माहौल है। और हमें सेनाओं पर गर्व है कि आपने देखा जब जब आतंकी हमले देश में हुए हैं, पुलवामा की घटना हो जा करके और कई ऐसे मामले जब आए, तो हमारी सेना के जवानों ने आतंकियों पर भूतोड़ जवाब देने का काम किया है। हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री को देखा आपने, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जा किसी देश के अंदर में, एयर स्ट्राइक हुआ जा करके, और बिहार के जवानों पर मुझे गर्व है जा करके। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, हम इस पर प्रार्थना करते हैं। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें, ये हमारी ईश्वर से कामना है। बारामूला जिले का है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है। ये लोग नाका ड्यूटी में थे, अचानक इनके ऊपर हमला किया गया। इन्होंने जवाबी फायरिंग भी किया है, बड़ा बहादुरी के साथ लड़ते हुए इनसे मुकाबला किया हुआ है। और इस दौरान में इन दोनों को जो है गोली लगी है और इनका शहादत के लिए आपके जवान लगातार शहादत दे रहे हैं, कैसा फील होता है देश के लिए अपने प्राणों को निशान? देखिए, ये एक किस्म की जो है लड़ाई है, इसमें तो जो है कभी जो है हमारा नुकसान होता है, कभी उनका होता है। अभी इसमें जो है हमारा 2 जवान का हुआ है, उनका तो 3 आतंकवादियों का जो है हुआ है। ये तो जो है जब देश के लिए लड़ने के लिए जो है ठान लिया, तो किस किस्म के जो है घटनाएं चलती है।